Welcome back, viewers. Chief Minister Yogi Adityanath is in Delhi for the Niti Aayog meet, and on the sidelines, he also met BJP General Secretary B.L. Santosh. According to sources, this meeting was to discuss the upcoming by-polls in Uttar Pradesh and the situation in the most populous state of India. Speculations are rife over the rift in UP BJP. This comes as the Chief Minister is holding regional review meetings after the Lok Sabha polls setback. However, both the Deputy Chief Ministers, Brajesh Pathak and also Keshav Prasad Maurya, skipped that regional meet with the Chief Minister himself. Even BJP State President Bhupendra Chaudhary now chose not to attend the Moradabad regional meeting, which was chaired by the Chief Minister. समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी कहीं कांग्रेस की वाईफाई तो नहीं बन रही है, क्योंकि कांग्रेस को नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ था और 30 सालों की कड़ी मेहनत के बाद समाजवादी पार्टी ने हम लोगों के जैसे लोगों के सहयोग से यह कांग्रेस विरोधी नीतियों के नाते उसको समाज विरोधी या दलितों पिछड़ों शोषितों के विरोध में रहने की वजह से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से हटाने में कामयाबी मिली थी। लेकिन आज के दिन में अब मुलायम सिंह है नहीं, अब वाईफाई बन गई समाजवादी पार्टी और कितना अपना हरा भरा खेती कांग्रेस से कटवाना चाहती है। And this has given the opposition fresh ammunition to corner the Yogi government. SP chief Akhilesh Yadav took a dig at the Yogi Sarkar and said that people of UP have been cheated and Maurya was the password of Delhi's Wi-Fi. सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं, तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? तो यूपी ऐसे नहीं चलेगा। यूपी की जनता को इन्होंने धोखा दिया है, यूपी की जनता का इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। देखिए, सवाल यही है कि जब कैबिनेट की बैठक होती है तो दोनों डिप्टी सीएम गायब रहते हैं, तो ये सवाल तो उठेगा ही। और ये सवाल समाजवादी पार्टी ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता भी पूछ रही कि आखिर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है। केवल संगठन ही में नहीं, सरकार में क्या चल रहा है कि दो डिप्टी सीएम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होते, तो सब कुछ ठीक नहीं है। इसको बताने के लिए यही काफी है कि कैबिनेट बैठक में जो है दोनों डिप्टी सीएम सामने नहीं होते। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार की बंदरबाट का बराबर का बंटवारा हो, शायद यही बात करने गए हूं। भ्रष्टाचार जिस तरीके थाने कोर्ट कचहरी से लेकर के तहसील जिले से लेकर के सब जगह पे भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं, वो पैसा शायद बराबर बराबर बांटने गए हूं, क्योंकि जनता की भलाई का तो इन्हें कोई काम करना नहीं है, महंगाई कम करने का कोई काम करना नहीं है, रोजगार देने का कोई काम करना नहीं है। तो ये शुद्ध रूप से अपनी आंतरिक लड़ाई और भ्रष्टाचार का बंटवारा करने के लिए दिल्ली गए हैं, ऐसा हमारा मानना है। ओके, अदीप इज ऑन द फोन लाइन नाउ विद अस। अदीप, योगी आदित्यनाथ वाज इन द नेशनल कैपिटल, ही मेट द बीजेपी'स नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष, दैट्स ओनली गिवन राइज टू स्पेकुलेशंस ऑफ रिफ्ट विद इन द यूपी बीजेपी। ऑपोजिशन इज हर्लिंग दीज एक्यूजेशंस एट द बीजेपी, बट व्हाट हैज बीन द रिएक्शन व्हिच हैज कम फ्रॉम द साइड ऑफ परहैप्स द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और द बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट? We'll see, Meenakshi. The rift that is going on in BJP is now quite open. And when Chief Minister Yogi Adityanath is conducting review meeting, both the senior leaders, Keshav Prasad Maurya and Brajesh Pathak, they are skipping the meeting day before yesterday. Chief Minister Yogi Adityanath was conducting the review meeting of Prayagraj Division when Keshav Prasad Maurya, Deputy Chief Minister, was not part of that meeting. And yesterday, when CM was conducting meeting of the Lucknow region, Brajesh Pathak, he is the MLA from the Lucknow cantonment seat, he was also not present in that meeting. So it's very evident that everything is not well within the BJP. Both the senior leaders are skipping meeting with the chief minister. In fact, Keshav Prasad Maurya has been skipping meeting, the cabinet meetings also, which were conducted earlier by Chief Minister Yogi Adityanath. Meanwhile, the opposition is training guns at BJP. Akhilesh Yadav, during the yesterday press conference, also said that Keshav Prasad Maurya has become the pawn and he is the Wi-Fi password of Delhi. In fact, Keshav Prasad Maurya also replied to Akhilesh Yadav and said that Akhilesh Yadav himself is the pawn of the Congress party and he is not realizing what he's doing, to which Akhilesh Yadav said that
It seems that another engine has come among the double engine between the Delhi and Lucknow. So the rift that is going on in BJP is quite evident now, Meenakshi. And these 2 days, the Saturday and Sunday, are very important. Since the entire Uttar Pradesh leadership, including Chief Minister Yogi Adityanath and both the deputies, they are in Delhi. Chief Minister Yogi Adityanath, in fact, met B.S. Santosh, the senior BJP leader, last night itself. So these 2 days are very important when the senior BJP leadership will try to talk to all the leaders to make things work in UP, and when the bipoles are almost on ahead and the UP BJP is planning to win all the 10 seats of the bipoles. Chief Minister is conducting review meetings for the bipoles, the 10 assembly bipoles seats. These are the crucial bipoles for the BJP and will be a litmus test also for Chief Minister Yogi Adityanath and BJP, how they are preparing to win all the 10 seats, Meenakshi. All right, Adeep, thank you for joining us with all these updates. So with that, we'll be slipping into a short commercial break. News and updates on the other side. Please don't go anywhere.